हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रिएशन एंड फैशन पर। फ्रेंड्स, आज हम स्लीव पर एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितनी हमारी लेंथ है उतना कपड़ा लेकर एक्स्ट्रा की हमने कटिंग कर दी है। जब भी हमें स्लीव की कटिंग करनी हो तो हम हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हमारी लेंथ के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, मैंने 13 इंच लिया है। हमारी स्लीव 13 इंच ही तैयार है, तो मैंने यहाँ पर 13 इंच इसलिए लिया है ताकि दोनों तरफ से आधा इंच सिलाई में आने के बाद ये 12 इंच बच जाए और 1 इंच के आगे हम डिजाइन बनाएंगे इस पर। तो इस तरह से हमारी स्लीव 13 इंच पर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, 4.5 इंच सामने से तैयार है, तो हम यहाँ पर 6 इंच ले लेंगे। आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं स्लीव में। तो देखिए, अब हम इसको मिला देंगे। और अब यहाँ से इसकी गोलाई करेंगे। देखिए इस तरह से 6.5 इंच पर हमारी आर्म होल तैयार है। ये स्लीव एक 12 साल की लड़की की है, तो इसलिए देखिए इसमें हम बाजू की ज़्यादा गहराई ना करते हुए इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग मैंने आपको पहले भी बताई है और स्लीव की कटिंग काफी आसान ही होती है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम छटाई करेंगे इसकी, थोड़ी सी 1/2 इंच तक कर सकते हैं आप। तो चलिए अब इस पर डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर 1.5 इंच पट्टी लिया है, जो 1/2 इंच सिलाई में आने के बाद 1 इंच रह जाएगी। और यहाँ पे लेंथ आप जितने फ्रिल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने देखिए डबल में कट कर ली है, इसका बीच में से यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम फ्रिल तैयार करेंगे। इस तरह से आप 1/2 से 1 इंच तक कपड़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सिलाई में आएगा बाजू की। और इससे आगे इस तरह से आप 1/2 इंच के गैप पर या 1 पैर के गैप पर ये डिजाइन बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने 1/2 इंच पर इस जैसे हम सलवार के बेल्ट में प्लेट डालते हैं, इस तरह से ये तैयार कर लेनी है। इसको तैयार करने के बाद हम दूसरी स्लीव के लिए भी इसी तरह से ये फ्रिल तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। देखिए यहाँ से हम अपनी स्लीव लेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान भी लगा लेंगे। और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से। इसी तरह से हम दूसरी बाजू पर भी इस डिजाइन को स्टिच कर लेंगे।
इस तरह के डिज़ाइन बनाने में बेहद ही आसान होते हैं। और इस डिज़ाइन की वजह से देखिए हमारी बिल्कुल सिंपल बाजू सी जो वो कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है। देखिए इसको यहाँ से स्टिच करने के बाद हम इस तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि ये फ्रिल बिल्कुल अच्छे से इस पर सेट हो जाए। जैसे हम सलवार में बेल्ट जोड़ने के बाद उसके ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।